नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरें सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक अवश्य करें। तो खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नज़र हेडलाइन। जातिगत जनगणना को लेकर 23 अगस्त को प्रधानमंत्री से होगी मुलाकात। बिहार के 11 सदस्यों के डेलीगेशन में ये रहेंगे शामिल। समस्तीपुर को मिली बड़ी सौगात, बोले शाहनवाज, बिहार में नए रफ्तार से विकसित होंगे उद्योग। परीक्षा देकर नहीं बल्कि प्रमोशन से प्रिंसिपल बनना चाहते हैं बिहार के सरकारी शिक्षक। राजभर में जलाई सरकारी आदेश की प्रति। पटना मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए 75 एकड़ जमीन की जरूरत, इन दो जगहों पर होगा अधिग्रहण। बिहार में अब जमीन रजिस्ट्री के साथ ही होगा म्यूटेशन, सरकार करने जा रही है बड़ा बदलाव। बिहार में महिला और बाल संरक्षण आयोग का काम ठप, 700 से ज्यादा केस पेंडिंग। अब राजगीर जाना हुआ आसान, जल्द बनेगा 4 लेन एलिवेटेड रोड, केंद्र सरकार ने दी मंजूरी। मिथिलांचल के कई जिलों में बाढ़ से बिगड़े हालात, सीएम नीतीश हवाई सर्वे को निकले। बिहार के दर्जन भर जिलों में बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने ठनका गिरने की दी चेतावनी। बिहार में 45,892 प्रधान शिक्षकों और हेडमास्टर की होगी नियुक्ति, प्राइवेट स्कूल के शिक्षकों को भी मिलेगा मौका। जातीय जनगणना को लेकर बिहार में सियासत तेज हो गई है। इसे लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी को पत्र लिखा था, जिसके बाद 23 अगस्त को सुबह 11 बजे बिहार के प्रतिनिधि मंडल को मिलने का समय प्रधानमंत्री ने दिया है। इस प्रतिनिधि मंडल में 11 सदस्य शामिल होंगे। हर दल में से एक एक लोग शामिल होंगे, जिनके नाम भी तय हो चुके हैं। संसदीय कार्य मंत्री ने शनिवार को डेलीगेशन में शामिल नेताओं के नाम की सूची जारी कर दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में पीएम मोदी से मिलने वाले प्रतिनिधि मंडल के बीजेपी से मंत्री जनक राम, जदयू से शिक्षा मंत्री विजय चौधरी, आरजेडी से तेजस्वी यादव, कांग्रेस से अजीत शर्मा, महबूब आलम, अख्तरुल इमाम, जीतन राम मांझी, मुकेश साहनी, सूर्यकांत पासवान, अजय कुमार सहित 11 नेता शामिल होंगे। गौरतलब है कि 4 अगस्त को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था। पत्र मिलने के बाद 23 अगस्त को प्रधानमंत्री ने मिलने का समय दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल पीएम से मिलेंगे और उनके समक्ष इस बात को रखेंगे कि पूरे देश में जातीय जनगणना की जानी चाहिए। बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने समस्तीपुर को एक नहीं बल्कि कई सौगातें दी है। रोसड़ा के मिर्जापुर में बम्बू क्राफ्ट यानी कि बांस और बेत से उत्पाद बनाने की कला के प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ उन्होंने किया, तो वहीं पूसा रोड स्थित खादी ग्रामोद्योग समिति संस्था का निरीक्षण करने के साथ साथ यहां खादी सूत कताई प्रशिक्षण कार्यक्रम की भी शुरुआत की। इसके अलावा समस्तीपुर के खजूरी इलाके में नारायण फूड इंडस्ट्रीज के अत्याधुनिक आटा फैक्ट्री का भी उद्घाटन किया। मंत्री शाहनवाज हुसैन शुक्रवार की शाम को ही समस्तीपुर पहुंचे थे और शनिवार की सुबह से ही कार्यक्रमों की शुरुआत कर दी थी। सबसे पहले वे रोसड़ा के मिर्जापुर पहुंचे, जहां उन्होंने केंद्र सरकार के वस्त्र मंत्रालय और बिहार के उद्योग विभाग के उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान के द्वारा 40 लाख रुपये की लागत से तैयार वेणु शिल्प सामान्य सुविधा केंद्र का शुभारम्भ किया। बिहार के सरकारी स्कूलों के शिक्षक किसी परीक्षा को पास करके नहीं बल्कि प्रमोशन पाकर अपने स्कूल का प्रधान शिक्षक या प्रिंसिपल बनना चाहते हैं, लेकिन सरकार ने तो फैसला ले लिया है कि प्रिंसिपल या प्रधान शिक्षक वही बनेगा जो बीपीएससी की परीक्षा पास करेगा। सरकारी शिक्षकों ने आज बिहार के हर जिले में सरकारी आदेश की प्रति जलाई। दरअसल इसी सप्ताह नीतीश कैबिनेट ने सरकारी स्कूलों में प्रधान शिक्षक और प्रिंसिपल बनाने के लिए नई नियमावली बनाई है। इसके तहत बीपीएससी के जरिए परीक्षा होगी। जो भी शिक्षक इस परीक्षा को पास करेंगे वे सरकारी स्कूल के प्रधान बन जाएंगे। सरकार ने तय किया है कि इस परीक्षा में निजी स्कूल के शिक्षकों को भी शामिल होने का मौका दिया जाएगा, लेकिन बिहार के सरकारी स्कूल के शिक्षकों ने इसे सरकार की धोखाधड़ी करार दिया है। शनिवार को बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के आह्वान पर बिहार के हर जिले में सरकारी आदेश की प्रतियां जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। शिक्षक नेताओं का कहना है कि प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षक नियमावली 2020 में प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक के पद को वर्तमान में कार्यरत योग्य एवं अनुभवी शिक्षकों की प्रोन्नति से भरे जाने का प्रावधान था, लेकिन नीतीश सरकार ने साजिश रच दी है। राजधानी में पटना मेट्रो का काम बहुत तेजी से चल रहा है। जल्द ही डिपो के जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई भी शुरू की जाएगी। जमीन अधिग्रहण को लेकर 1 सप्ताह से 15 दिन के अंदर अधिसूचना जारी की जाएगी। इसके बाद यह तय होगा कि किस मौजा में पटना मेट्रो का डिपो बनाया जाएगा। जानकारी के अनुसार अंतरराज्यीय बस टर्मिनल के पास रानीपुर मौजा और पहाड़ी मौजा के करीब 75 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। जमीन अधिग्रहण का काम जिला प्रशासन की ओर से किया जाना है। डिपो की जमीन के लिए स्थानीय किसानों की
जमीन का अधिग्रहण होना है। नगर विकास और आवास विभाग की ओर से जिला प्रशासन को जमीन अधिग्रहण की अधियाचना पहले ही भेज दी गई है। इसी के तहत जिला प्रशासन जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई शुरू करने जा रहा है। इसके लिए जिला प्रशासन की ओर से जमीन क्रमांकित की जा चुकी है। बिहार सरकार अब जमीन रजिस्ट्री कराने की व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने जा रही है। नई व्यवस्था को लेकर फिलहाल प्रयोग किया जा रहा है, जिसके मुताबिक रजिस्ट्री में थोड़ी देर होगी, लेकिन रजिस्ट्री के साथ ही म्यूटेशन भी हो जाएगा। इस प्रयोग के लिए सरकार ने शेखपुरा जिले में एक गांव को चुना है। इस काम के लिए सरकार IIT रुड़की की मदद ले रही है। बताया जा रहा है कि इस प्रयोग के लिए रजिस्ट्री के लिए कोई आदमी अर्जी देगा तो सबसे पहले सर्वेयर या आमीन जमीन के प्लॉट पर जाएंगे। वह बिकने वाली जमीन के प्लॉट का नक्शा बनाएंगे। सर्वेयर या आमीन के प्लॉट पर जाने की सूचना जमीन बेचने और खरीदने वाले को दी जाएगी। उसकी मौजूदगी में चौहद्दी, खाता, खेसरा और रकबा के साथ प्लॉट का नक्शा बनेगा। वह रजिस्ट्री के साथ लगेगा। उसके बाद अंचलाधिकारी म्यूटेशन का प्रमाण पत्र देंगे। जानकारी हो कि अभी म्यूटेशन में कागज पर नए खरीदार का नाम दर्ज हो जाता है। बदलाव यह होगा कि दस्तावेज में कागज पर नाम परिवर्तन के साथ प्लॉट का नक्शा और फोटो भी रहेगा। खाता, खेसरा और रकबा भी फोटो में रहेगा। इसमें चौहद्दी का विवाद समाप्त हो जाएगा। रजिस्ट्री के बाद म्यूटेशन कराने की बड़ी फजीहत से भी लोग बचेंगे। रजिस्ट्री के समय म्यूटेशन का नक्शा देने वाला बिहार देश का पहला राज्य बन जाएगा। बिहार में महिला आयोग और बाल संरक्षण आयोग का काम पूरी तरह ठप हो गया है। विभागीय अधिकारियों और मंत्री के उदासीन रवैये के कारण दोनों आयोग में 700 से अधिक मामले लंबित हैं, जिन पर सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। बताया जाता है कि तीनों आयोग के खाली पदों के लिए आवेदन आने के बाद भी अभी तक विभागीय अधिकारियों और मंत्रियों ने इस संबंध में कोई संज्ञान नहीं लिया है, जिसके कारण राज्य में महिला आयोग रहने के बाद भी महिलाओं को इस आयोग का लाभ नहीं मिल रहा है। आपको बता दें कि महिला आयोग के नियमावली के आलोक में आयोग में एक अध्यक्ष और 7 सदस्यों का पद स्वीकृत है, जिसके विरुद्ध अध्यक्ष प्रोफेसर प्रमिला कुमारी फरवरी 2020 से जुलाई 2020 में कार्यरत थी। वर्तमान में आयोग में अध्यक्ष सहित कुल 7 सदस्यों के पद खाली हैं। बिहार के नालंदा जिले को जल्दी ही एक बड़ी सौगात मिलने वाली है। सीएम नीतीश ने राजगीर में लोगों को जाम की समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए बाणगंगा से SDM ऑफिस तक 4-लेन एलिवेटेड रोड बनाने का निर्देश दिया था। इस बाबत उन्होंने दो बार खुद इसके प्रस्ताव पर विचार करके सभी अधिकारियों के साथ स्थल भ्रमण कर मार्ग रेखन को अंतिम रूप दिया। उसी निर्देश के अनुपालन में पथ निर्माण विभाग द्वारा भेजे गए प्रस्ताव पर अब केंद्र सरकार की भी सहमति मिल गई है। जानकारी के अनुसार राजगीर के बाणगंगा से SDM कार्यालय तक गया बिहार शरीफ नेशनल हाईवे पर 8.7 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड रोड कॉरिडोर निर्माण किया जाएगा। बताया जा रहा है कि इसके निर्माण की प्रक्रिया जल्द शुरू की जा सकती है। इस एलिवेटेड रोड कॉरिडोर के निर्माण में कुल 1300 करोड़ रुपये खर्च होंगे। बिहार में बाढ़ से बने हालत की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार समीक्षा कर रहे हैं। आज सुबह सुबह CM मिथिलांचल के कई जिलों में बाढ़ का जायजा लेने के लिए एरियल सर्वे को निकल चुके हैं। मुख्यमंत्री आज हवाई सर्वेक्षण करने के बाद कई बाढ़ राहत शिविर का भी दौरा करेंगे। आपको बता दें कि बिहार में बाढ़ ने विकराल रूप ले लिया है। गंगा और बूढ़ी गंडक नदी उफान पर है। कुल 16 जिले बाढ़ की वजह से बुरी तरह प्रभावित है। वैशाली, मुंगेर, भोजपुर या फिर कटिहार, पूर्णिया, सभी जगह बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है और इलाके पानी में पूरी तरह डूब चुके हैं। CM नीतीश कुमार ने अब जमीन पर भी दौरा करना शुरू कर दिया है। बिहार में इन दिनों मौसम का मिजाज बदला हुआ है। पिछले 2-4 दिनों में राजधानी पटना समेत बिहार के कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है। मौसम का बदलने का सिलसिला अनवरत जारी है। मौसम विभाग की ओर से आज एक बार फिर अलर्ट जारी किया गया है। सुबह के दर्जन भर जिलों में बारिश होने की संभावना है। इस दौरान वज्रपात होने की भी आशंका जताई गई है। आज सुबह सुबह पटना मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक अगले 2-3 घंटे में मौसम करवट बदल सकता है। गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और वैशाली के कुछ इलाकों में बादलों की गड़गड़ाहट के साथ बारिश हो सकती है। इस दौरान कुछ इलाकों में वज्रपात की भी प्रबल संभावना है। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर और मधुबनी में भी कहीं कहीं हल्की बारिश बरस सकती है। इसीलिए लोगों को अपने घरों में सुरक्षित रहने के लिए कहा गया है। मौसम विज्ञानी संजय कुमार ने बताया कि मॉनसून दक्षिण बिहार के ऊपर चक्रवाती परिसंचरण का क्षेत्र बना है, जिसके कारण पटना समेत इसके आसपास क्षेत्रों में बादल छाए रहेंगे। मौसम विज्ञान ने बताया कि मॉनसून की ट्रफ लाइन गंगानगर, नानरौल, ग्वालियर, सतना, बालसोर होते हुए पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी से होकर गुजर रही है। वहीं पूर्व पश्चिम ट्रफ रेखा दक्षिण पश्चिम राजस्थान से दक्षिण बिहार, दक्षिण हरियाणा और UP होते हुए गुजर रही है।
बिहार सरकार जल्द ही सरकारी विद्यालयों के लिए प्रधान शिक्षकों व प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति करने वाली है। बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी के माध्यम से इन पदों पर सीधी नियुक्ति की जाएगी। इसमें प्राइवेट स्कूलों के पात्र शिक्षकों को भी मौका मिलेगा। स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा की गई घोषणा के बाद शिक्षा विभाग ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। बिहार के प्राथमिक विद्यालयों में पहली बार प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। पहले विद्यालय के वरीय शिक्षक ही इसका भार संभालते थे, लेकिन अब कमीशन के द्वारा इस पद पर नियुक्ति होगी। बीपीएससी राज्य में 45,892 हेडमास्टरों की बहाली करेगा। प्रदेश के 40,058 सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक और 5,334 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक की नियुक्ति की जाएगी। बिहार में मंत्रिपरिषद की मंजूरी मिलने के बाद अब नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। बिहार लोक सेवा आयोग लिखित परीक्षा के माध्यम से इन पदों को भरेगा। इसके लिए सरकार बीपीएससी को अधियाचना भेजेगी। तो आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।